बात करते हैं यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का आज बड़ा मंथन हो रहा है। एक बड़ी बैठक जो कि चल रही है लखनऊ में, यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। चुनाव में खराब प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की बैठक रही और यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल हैं। विनोद तावड़े, भूपेंद्र चौधरी, स्मृति ईरानी भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन रहा उसकी वजहें क्या रही, इसका मंथन हो रहा है। कई बैठकें हो चुकी है लेकिन ये बैठक भी बड़ी इस वक्त चल रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को कुछ देर में संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव में देश भर के कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया है। मोदी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आभार जताया गया है। इसके अलावा सरकार विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी, ये भी इस प्रस्ताव में है। बीजेपी पिछड़े और दलितों के आरक्षण के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, ये भी इसमें प्रस्ताव में बात कही गई है। और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में है और यही बैठक में भी छाया रहा। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, दलितों पिछड़ों को आरक्षण देने की बात और इस पर ज्यादा फोकस करने की बात, ये बार बार सामने आ रही है। जब से नतीजे आए हैं तब से बीजेपी इस बात को टटोल रही है कि आखिर हार की मुख्य वजह क्या रही, क्या वो बात रही जो जनता को पसंद नहीं आई? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, उसका जिक्र करना अभी ज़रूरी है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और यही बात, चूँकि यूपी में इस बार लोकसभा की सीटें बीजेपी के लिए आधी रह गई, इसीलिए अपने दम पर बहुमत बीजेपी नहीं पा सकी। एनडीए की सरकार है और उसके बाद हार को लेकर, यानी कहें खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षाएँ की जा रही हैं। आपको पता होगा बीजेपी ने 40 नेताओं के टास्क फोर्स भी बनाया था। और अगर हम देखें पीछे, अगर देखिए ये हॉल है जिसको अभी कुछ देर पहले ही बंद कर दिया गया है, चूँकि हॉल के अंदर भूपेन चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके बाद भाषण हुआ उनका। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हार की वजह की समीक्षा हो, बातचीत हो और बड़े स्तर पर बातचीत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट हुई है और इस बैठक में भी मुझे लगता नहीं है कि इस बात पर हार को लेकर के मंथन होगा। ये कहा जा रहा है कि जो आगे क्या करना है, आगे का एजेंडा क्या होगा। आपने अगर देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई बयान आए कि पार्टी के अंदर भीतरघात की वजह से लेकर, साथ ही जो विपक्ष ने एक संविधान और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चलाया था उसको लेकर के नुकसान हुआ है। ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन अभी हमने जैसे कुछ कार्यकर्ताओं से बात की जो ग्राउंड पर काम करते हैं, उन लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत कम, बहुत टूटा है जिस तरीके से लोकसभा प्रदर्शन हुआ है, और वो उस पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस बात की गुंजाइश कम नज़र आ रही है। यहाँ जो बैठक चल रहा है कार्यकारिणी की बैठक, उसमें हार के इन कारणों पर समीक्षा संभव हो। तो ये बड़ी समीक्षा चल रही है और जैसे कि बैठक क्यों हो रही है ये भी हम लगातार वजह बता रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव पर भी फोकस है बीजेपी का क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी सबसे बड़ा राज्य है देश का और इसीलिए फोकस ज़्यादा भी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कांग्रेस पर हमला भी सामने आया, जैसा कि पंकज बता रहे थे, अंदर भूपेंद्र चौधरी बोल रहे हैं और अब कांग्रेस पर वार किया है। भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर बता दिया है, कांग्रेस अखिलेश को भी बर्बाद कर देगी, ये भी कहा भूपेंद्र चौधरी ने। कांग्रेस की नजर एसपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है, मुसलमानों के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है जो कि समाजवादी पार्टी का है। ये भूपेंद्र चौधरी की तरफ से बड़ी बात निकलकर सामने आई बैठक में। कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय दलों के वोट के भरोसे आगे बढ़ती जा रही है। यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है, कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी सुनने हैं। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम
चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना, और आपको बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष के नैरेटिव और पार्टी के कुछ लोगों के कारण हम हारे हैं। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह के बयान के बाद हमारी हालत और खराब हो गई। उनसे बातचीत की टीवी 9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। कौशल जी, कार्यकारिणी की बैठक में आप जा रहे हैं, लेकिन ये पता चला कि आखिर चूक कहाँ रही, इस पर कोई मीमांसा हुई, चूंकि रिपोर्ट भी बनी, फिर क्या? अब ये रिपोर्ट तो आज पेश होगी तभी पता चलेगी, लेकिन भ्रम फैलाया गया। 400 सीट जो मोदी जी ने बोला उस पर जो है विपक्ष ने फैलाया कि इसलिए 400 सीट मांग रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। ना आरक्षण ख़त्म हुआ, ना कभी ख़त्म होगा, ना संविधान ख़त्म हुआ। संविधान आपकी बात को नहीं सुना, उनकी बात को क्यों सुना? उन लोगों ने बड़े तेज़ी से भ्रम फैलाने का काम किया, इसलिए जो है वो, और लालच भी देने का काम किया कि 8500 रुपये हर महीने मिलेंगे। ये उत्तर प्रदेश में ही एक भ्रम तेज़ी से फैला, बाकी जगह वो भ्रम नहीं फैल पाया, उत्तर प्रदेश में भ्रम फैला। और मैं समझ रहा हूँ कि एकाध हमारे पार्टी के लोगों ने भी गलत बयानी की जिसकी वजह से उनको बल मिला। लेकिन आज जो ये इसकी बात कर रहे हैं, मैं लल्लू सिंह चौहान जी की बात कर रहा हूँ, जो उनका बयान आया उसकी वजह से एक भ्रम निश्चित तरीके से फैला और उसी का वीडियो लेकर के लोग चले भी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत का संविधान कश्मीर में जहाँ नहीं लागू था, धारा 370 खत्म करके मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुआ। और अगर 400 सीटें हम पाते तो पीओके में भी, जो पाकिस्तान में, वहाँ पर भी लोगों ने तिरंगा फहराया, आने वाले समय में वहाँ पर भी भारत का संविधान लागू होता। इसलिए जनता को समझ लगता है कि इन सारे मुद्दों पर बैठ के एक बार बातचीत तो हो कम से कम, ऐसी तो चीज़ कार्य समिति इसीलिए बुलाई गई है, उसी पे चीज़ों पे बातचीत होगी और चीज़ें निकल के आएंगी। आपको क्या लगता है इस हालात में 2027 भी गया? 2027 हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, पिछली बार जितने सीटें जा पाए थे उससे भी ज़्यादा जीतेंगे, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। पार्टी के ही कुछ नेता कुछ और भी बात कह रहे हैं, वो उनके उनके व्यक्तिगत विचार हैं, वो पार्टी का विचार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल किशोर जी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ गलतफहमियों की वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और ही होंगे। तो कौशल किशोर को आपने सुना, और वहीं विनोद सोनकर ने कहा है इस बैठक को लेकर कि हम संविधान और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव और 400 पार नारे के कारण हारे हैं। पार्टी के कुछ लोगों ने भी भीतरघात का काम किया है। पंकज झा ने उनसे भी बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी हैं, जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे हैं। एक बार बताइए कि कार्यकारिणी में जो अभी चीज़ें लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से पार्टी में ये चल रहा है कि हार की कई वजह हैं, क्या लग रहा है आपको, आखिर वो कौन सी दो बड़ी वजह हुई? देखिए, हार के जो दो बड़े कारण आप पूछेंगे तो सबसे बड़ा कारण है विपक्ष का झूठ, जिस प्रकार भ्रम फैलाने का काम किया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, अब चुनाव नहीं होगा। एक जो है मूल विषय आप देखेंगे तो यही है। जहाँ तक दूसरे सवाल की बात आप करेंगे, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं को लेके कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, तो आज प्रदेश कार्य समिति में निश्चित रूप से इन बिंदुओं के साथ साथ संगठनात्मक विषयों में भी चर्चा होगी। आपको नहीं लग रहा कि इतने साल सत्ता में डबल इंजन के बाद पार्टी में थोड़ा सा आपसी कलह बहुत तेज हो गई है? देखिए, आप तो खुद ही इसके भुक्तभोगी नहीं लगते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। चुनाव होता है तो इतना बड़ा दल है तो सबको खुश करना संभव नहीं होता, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी होती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, तो निश्चित रूप से आज यहाँ से जब एक मंथन होगा, चिंतन होगा, तो वहाँ से निकल कर जो विषय आएगा वो तो कार्यकर्ताओं तक तो ले जाने का काम किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार बहुत है जैसा मोती सिंह कह रहे हैं, आप इस बात से सहमत हैं क्या? अब देखिए, मेरे बड़े वरिष्ठ हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो पदाधिकारी भी रहे हैं, तो हो सकता है उनका अपना ये अनुभव हो, लेकिन ये कहिए कि ये सर्वव्यापी हो तो इस पर तो कहना जल्दबाजी होगा।